तो भाई साहब इंतजार की घड़ी हुई अब खत्म, क्योंकि मिर्जापुर सीजन 3 आपको 5 जुलाई को मिलने वाला है और उसका ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर ने बता दिया है कि भाई साहब जो वॉयलेंस अभी आप सीजन 1 सीजन 2 में देखकर आ चुके थे अभी इसका बाप मिलने वाला है, क्योंकि गुड्डू पंडित अब फुल एक्टिव हो चुका है और इस समय इतने सारे कंटेंट आ चुके हैं और कोई छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े। भाई साहब कोटा फैक्ट्री सीजन 3 आज का आ चुका है जिसका रिव्यू में मैं लेकर आऊँगा कुछ टाइम बाद, एंड देन उसके बाद अभी कल की 2898 का अभी ट्रेलर आ जाएगा, बहुत कुछ है बहुत कुछ। लेकिन अभी बात करेंगे मिर्जापुर सीजन 3 के बारे में जहाँ पर गुड्डू पंडित फुल एक्टिव हो चुके हैं और होएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पावर मिल चुकी है भाई त्रिपाठी की, जो महल है वो मिल चुका है, पूर्वांचल में पूरा राज है और जो त्रिपाठी लगातार बहुत लंबे समय से राज करते आ रहे थे वो बनी बनाई गद्दी उसे मिल चुकी है। और जब पावर आती है, सत्ता का नशा आता है, तो भाई इस पावर को कंट्रोल करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है जो गुड्डू पंडित फिलहाल में नहीं लगाते नजर आ रहा है। वो सिर्फ वॉयलेंस में चल रहा है, जहां गजगामिनी अपनी गज्जू एक बार के लिए कहती हैं कि इस समय वॉयलेंस का नहीं है, ये समय है धर्म अपनी पकड़ को मजबूत बनाने का और गुड्डू पंडित यही चूक जाएगा। जहां दूसरी तरफ भाई साहब अपने त्रिपाठी यानी कालीन भैया जो लगातार रिटालिएट करेंगे कि कैसे न कैसे अपनी जो गद्दी है वापस ली जाए, दूसरी तरफ जो शरद है जो रति शंकर शुक्ला जी के बेटे जिनसे क ख ग घ पढ़ाया था गुड्डू भैया ने और गोली दाग दी थी, हाँ वही, तो वो भाई फुल सिंपथी जनरेट करने वाला है। और एक जो बेटे का जो बाप बेटे का जो रिश्ता जहाँ से ख़त्म हो चुका था कालीन भैया भैया से, क्योंकि मुन्ना भैया को तो टपका ही दिए हैं सीजन 2 के लास्ट में, तो एक रिश्ता वहाँ पर जनरेट होते नजर आएगा। दूसरी तरफ भाई साहब दत्ता भैया जो बिहार से हैं वो आने वाले हैं, वो अलग हल्ला मचाने वाले हैं। दूसरी तरफ लाला भी फुल एक्टिव होने वाला है, तो भाई वायलेंस जो है ना हद तक मिलने वाला है और पेल के मिलने वाला है, तो 18+ कंटेंट तो ये है ही है और भी कुछ वल्गर सीन्स भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। बीना भाभी हमारी यहाँ पर अभी कालीन भैया से लेकर अपने गुड्डू भैया की तरफ रुख मोड़ चुकी हैं, जो चाहती हैं कि भाई साहब पूरे पूर्वांचल पर गुड्डू का नाम चमकता रहना चाहिए बस। दूसरी तरफ माधुरी भाभी जो अभी अपनी चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, वो खुद पीछे पड़ने वाली हैं अपने गुड्डू भैया के, तो गुड्डू पंडित जहां एक तरफ अपना भौकाल जमाने में फुल व्यस्त रहेंगे, दूसरी तरफ इतनी सारी कूटनीतियों से उनकी लेने के लिए भी तैयार रहेगा उनका समय। क्या होगा क्या नहीं 5 जुलाई को पता चल जाएगा। फिलहाल ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग, अगर आपने देख लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी प्रेडिक्शन क्या ही लगाएं कि क्या है कहानी होने वाली है क्या नहीं होने वाली है, करेंगे ब्रेकडाउन। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते रहेंगे ऐसे ही, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।